नमस्कार, पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में मैं नीरू आप सभी का स्वागत करती हूं। और इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं पेपर कोड 869 का जनरल अवेयरनेस सेक्शन। Who said where there is no law, there is no freedom? ये किसने कहा? ये कि जहां कोई कानून नहीं है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं है। बेंथम, लेनिन, मार्क्स या लॉक, इनके ये चार ऑप्शंस हैं और आंसर है इसका जॉन लॉक। ओके, LOCKE, ये इसका आंसर है। इन्होंने कहा where there is no law, there is no freedom। और इनकी बुक है सेकेंड ट्रस्टीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, उसमें चैप्टर 6 में इन्होंने ये कहा है। क्वेश्चन नंबर 26, आंसर है डी। जॉन लॉक सेड वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो गवर्नमेंट। और इन्होंने कहा है ये सेकंड ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट चैप्टर 6। ओके, ही एम्फसाइज्ड दैट द एंड ऑफ लॉ इज नॉट टू अबॉलिश और रिस्ट्रेन बट टू प्रिजर्व एंड एनलार्ज फ्रीडम। और कौन है ये जॉन लॉक? ये 1632 से 1704 इनका टाइम पीरियड है। इंग्लिश फिलोसोफर और फिजिशियन है और इनको वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स माना जाता है। और इनके लिए जो अन्य महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है, इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है, जॉन लॉक। 27, Only glucose is used for energy requirements by the, ऊर्जा की आवश्यकता के लिए केवल ग्लूकोज निम्न में से किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज का प्रयोग केवल लिवर करता है, किडनीज, ब्रेन या फिर मसल्स। ये हमारे चार ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा आंसर है सी, ब्रेन। ओके, ब्रेन हमारा आंसर है। ये देखिए, ब्रेन जो है ये सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन है। ओके, मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन है ये हमारी बॉडी का। हार्ट, लिवर और किडनीज, ठीक है, इनके साथ ब्रेन, हार्ट, लिवर और किडनीज, ये 60% इट कंज्यूम्स 60% ऑफ बॉडीज एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। बॉडी की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उसका 60% डिमांड जो है वो ब्रेन, हार्ट, लिवर और किडनी से होता है। हार्ट और किडनी आर मोर मेटाबॉलिकली एक्टिव देन द ब्रेन, बट एज द ब्रेन इज लार्ज इट टेक्स अ ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ द बॉडीज एनर्जी नीड्स। जब दिमाग आराम भी कर रहा होता है, रेस्ट भी होता है, तब भी 20-23% ऑफ बॉडीज टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स डिस्पाइट अकाउंटिंग फॉर ओनली 2% ऑफ द बॉडी मास। 27 का आंसर सी। शिग्मो किसका प्रमुख त्योहार है? शिग्मो इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फेस्टिवल्स ऑफ तमिल कम्युनिटी, संथाली कम्युनिटी, कोंकणी हिंदू कम्युनिटी या फिर मुस्लिम कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 28 आंसर है हमारा कोंकणी हिंदू कम्युनिटी। और ये कम्युनिटी आपको कहाँ मिलेगी? ये कम्युनिटी आपको मिलेगी गोवा में, और होली के आसपास ये त्योहार मनाया जाता है। शिग्मो ये स्प्रिंग फेस्टिवल है, बसंत के मौसम में, बसंत ऋतु में गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है। मेजर फेस्टिवल्स है हिंदू कम्युनिटी का वहां पर, और इसको ये इंडियन फेस्टिवल ऑफ होली का एक हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 28 आंसर है हमारा सी। Which particle cannot be accelerated in a magnetic field? वह कण कौन सा है जो चुंबकीय क्षेत्र में त्वरण नहीं प्राप्त करता है? अल्फा कण, बीटा कण, न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन, ये हमारे चार ऑप्शंस हैं। और इसका आंसर क्या है 29 का? इसका आंसर है न्यूट्रॉन। ठीक है, आंसर 29 का सी है। केवल जो चार्ज पार्टिकल्स हैं दे कैन बी एक्सेलरेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और न्यूट्रॉन जो होता है उसका कोई चार्ज नहीं होता है, इसीलिए तो उसको न्यूट्रल कहा जाता है, इसलिए उसको मैग्नेटिक फील्ड में एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 29 सी। मैच द फॉलोइंग, इनका मिलान करें। एक तरफ ये देखिए, आपको ये दिए हुए हैं प्रोजेस्ट्रॉन, टेस्टोस्ट्रॉन, थायरोक्सिन और इंसुलिन, और दूसरे तरफ वो ऑर्गन्स दिए हुए हैं जिससे ये रिलेटेड है। ठीक है, थायराइड, पैनक्रियाज, यूट्रस या फिर ओवरी, ये हमारे चार ऑप्शंस हैं। अब इनको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 30, जो हमारा ए है ये करेक्ट है। ठीक है, ए इज करेक्ट। ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये आपको मिलेगा ओवरी में, राइट। जो टेस्टोस्टेरोन है ये आपको मिलेगा यूट्रस में। फिर उसके बाद हमारा थायरोक्सिन मिलेगा थायराइड में, और इंसुलिन का लेना देना है पैनक्रियास से। सो क्वेश्चन नंबर 30 मेरा आंसर है ए, 4, 3, 1, 2, ये राइट मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is used in most programs that is a part of the program and guides the user through certain steps?
अधिकांश कार्यक्रमों में क्या प्रयोग किया जाता है जो एक कार्यक्रम का हिस्सा है और उपयोगकर्ता को निश्चित चरणों तक सहायता करता है? सॉफ्टवेयर, विजर्ड, विकी या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 31, इसका आंसर है सॉफ्टवेयर। 31 इज सॉफ्टवेयर। The computer program which contains the instructions to make the hardware work are called software. Software हम किसको कहते हैं? Software हम उसको कहते हैं जिसमें instructions होंगे कि hardware को काम कैसे करना है. There are two primary software categories. दो primary software categories होती हैं. एक है हमारा operating system और दूसरा है हमारा operating system या फिर system software भी इसको कहते हैं. और दूसरा है application software. Question 31. Answer is going to be A. Question number 31. फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वॉज सेटअप इन इंडिया एट, भारत का जो सबसे पहला नगर निगम था वो कहां स्थापित किया गया था? भारत का सबसे पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्वेश्चन नंबर 32। अब इसका आंसर क्या है? जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो भारत में 1687 से ही है और जो सबसे पहली सेटअप की गई थी वो सेटअप की गई थी मद्रास में। आंसर है हमारा ए, मद्रास। Municipal governance in India has existed since the year 1687. ये 1687 से ही है और उस समय बनाई गई थी मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। उस सबसे पहले तो मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और उसके बाद हमारी कैलकटा और बॉम्बे वाली। फिर 1882 में जो वायसरॉय थे उस समय में लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी जाना जाता है। इन्होंने भारत में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ म्युनिसिपल गवर्नेंस की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 32 याद रखना, आंसर है हमारा ये, मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पहली थी, उसके बाद कलकत्ता और बॉम्बे वाली आई और लॉर्ड रिपन को हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया मानते हैं। 32 आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट मनी बिल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धन विधेयक के बारे में सही है? ठीक है, चार स्टेटमेंट्स दिए गए हैं आपको, इनमें से एक सही है और तीन हमारे गलत हैं। आपको बताना है कौन से तीन गलत हैं। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल, धन विधेयक विधान परिषद में पेश किया जा सकता है, नंबर एक। फाइनल डिसीजन वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट इज टेकन बाय द गवर्नर, विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय राज्यपाल करता है। उसके बाद है धन विधेयक पारित करने के लिए राज्य विधानसभा में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। टू पास द मनी बिल इन स्टेट लेजिस्लेचर स्पेशल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड। और लास्ट वाला है, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर, जो धन विधेयक है उसको राज्यपाल की सिफारिश पर विधानसभा में पेश किया जा सकता है। ये हमारे चार ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इसका जो लास्ट वाला पार्ट है डी, ये सही है। मनी बिल जो है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर इंट्रोड्यूस किया जाता है, बाकी तीन गलत है। ये देखिए, आंसर हमारा 33 का डी था, मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कोई बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं इसमें स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है। और आपको क्या दिया हुआ था? आपको दिया हुआ था कि इसमें राज्यपाल का डिसीजन फाइनल होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर कहा हुआ था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस हो सकता है और यहाँ पर क्या कहा गया है कि नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस होगा, स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है कि वो मनी बिल है कि नहीं। फिर ये कह रहा है कि स्पेशल मेजोरिटी और वर्किंग मेजोरिटी रेफर्स टू मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। Most of the normal motions and bill in the house such as no confidence motion, motion of confidence, motion of thanks, censure motion, adjournment, money bill, ordinary bills are passed by simple majority. और यहाँ पे क्या कहा गया था? यहाँ पे कहा गया था कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए। इसलिए ये जो हमारे फर्स्ट थ्री ऑप्शन हैं ये गलत है। ऑप्शन डी राइट, 33 डी। 34, क्वेश्चन नंबर 34, ऑन विच रिवर इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड, भारत के पहले बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? भारत की पहली जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना वो कहाँ बना? वो सतलज नदी पर, महानदी पर, दामोदर पर या गोदावरी पर? क्वेश्चन नंबर 34, आंसर है हमारा बी, दामोदर। ये दामोदर नदी पर बना।
ये देखिए दामोदर नदी, ये वेस्ट बंगाल में बहती है, झारखंड में बहती है। ये जो एरिया है ये रिच इन मिनरल रिसोर्सेज है एंड हैज लार्ज स्केल माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। दामोदर को पहले बंगाल का अशोक या सौरव बंगाल कहा जाता था क्योंकि ये बहुत बाढ़ लेकर आती थी वेस्ट बंगाल में, ठीक है। इसलिए इन बाढ़ वगैरह को कंट्रोल करने के लिए जब हम आजाद हुए उसके बाद हमारा जो पहला मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट लगाया गया वो दामोदर नदी पर लगाया गया। दामोदर वैली कॉरपोरेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में डीवीसी बोलते हैं। ये July 7, 1948 में इट केम इन टू बींग और ये हमारी फर्स्ट थी। सो क्वेश्चन नंबर 34 आंसर इज बी दामोदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा है सोलर एनर्जी, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए आवश्यक तत्व क्या है, ठीक है, हमें क्या इस्तेमाल करना है। बेरिलियम, सिलिकॉन, टेंटलम या फिर शुद्ध कार्बन, प्योर कार्बन। क्वेश्चन नंबर 35। अब इसमें हमें यूज करना होता है सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 35 आंसर है हमारा बी सिलिकॉन। ये देखिए हाइड्रोजनेटेड एमोर्फस सिलिकॉन कन्वर्ट करती है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट शुड बी मेनली प्रेजेंट इन अ फ्यूज वायर। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट शुड बी मेनली प्रेजेंट इन अ फ्यूज वायर, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है उसमें उच्च गलनांक और कम प्रतिरोध, लो मेल्टिंग पॉइंट लो रेजिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट हाई रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट या हाई रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 33। ये जो फ्यूज वायर होती है इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट को तोड़ देना अगर एक्सेसिव करंट आए, जिससे कि जो अप्लायंसेस है वो प्रोटेक्टेड रहे, ये इसका फंक्शन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है सी, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तभी तो फटाफट ये मेल्ट हो जाएगी और हाई रेजिस्टेंस। क्वेश्चन 36 सी। ये देखिए जो फ्यूज वायर है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ यूजिंग फ्यूज वायर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग ऑफ करंट। जब एक बड़ा करंट पास होता है इस सर्किट से तो फ्यूज वायर बर्न हो जाएगी और सर्किट को ब्रेक कर देगी और मेल्ट हो जाएगी। सो मटेरियल यूज्ड इन फ्यूज वायर शुड हैव हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। सो क्वेश्चन नंबर 36 आंसर है हमारा सी। विच ऑफ दीज हार्बर्स इज नॉट अ नेचुरल हार्बर। इन बंदरगाहों में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, चेन्नई, कोचिन, मुंबई या फिर पारादीप। क्वेश्चन 37, इन बंदरगाहों में से कौन सा एक नेचुरल हार्बर नहीं है। 37 का आंसर है हमारा ए चेन्नई जो है वो नेचुरल हार्बर नहीं है। चेन्नई जो है ये भारत का ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर है, कृत्रिम बंदरगाह है। ये भारत के ईस्ट कोस्ट पर तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इसका कोई नेचुरल हार्बर नहीं है एंड आर्टिफिशियल हार्बर हैज बीन क्रिएटेड नियर द कोस्ट। और ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, आयरन ओर और बहुत सारा जनरल कार्गो यहाँ से जाता है। मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट्स यहाँ से राइस, टेक्सटाइल, लेदर, लेदर गुड्स इत्यादि है। 37A। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेन करेंसी विच हैज अ टेंडेंसी ऑफ क्विक माइग्रेशन इज कॉल्ड। ओके, विदेशी मुद्रा जो जल्दी पलायन की प्रवृत्ति रखती है उसे हम क्या कहते हैं, हॉट करेंसी, सॉफ्ट करेंसी, गोल्ड करेंसी या स्केर्स करेंसी। ये हमारे चार ऑप्शंस हैं और हमारा ये जो क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ओके, तो फॉरेन करेंसी विच हैज अ टेंडेंसी ऑफ क्विक माइग्रेशन उसे क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 इसका आंसर है उसे हम कहेंगे हॉट करेंसी। आंसर है हमारा ए। जो हॉट करेंसी है ये फाइनेंशियल मार्केट में रेगुलरली फ्लो होती है क्योंकि इन्वेस्टर्स जो हैं वो फटाफट हाईएस्ट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स पॉसिबल पाना चाहते हैं। तो हॉट मनी विल फ्लो फ्रॉम लो इंटरेस्ट रेट यील्डिंग कंट्रीज इनटू हाई इंटरेस्ट रेट कंट्रीज बाय इन्वेस्टर्स लुकिंग टू मेक द हाईएस्ट रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 38 आंसर है हमारा ए। Who was the immediate successor of Qutubuddin Aibak? Qutubuddin Aibak के तुरंत बाद अगला शासक कौन बना? Qutubuddin Aibak के तुरंत बाद अगला शासक कौन बना? इल्तुतमिश, रजिया, आराम शाह या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 39।
ओके अब इसका आंसर है आराम शाह, इसका आंसर है आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के तुरंत बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह शासक बना था, लेकिन इसके बाद इनको हटा दिया गया था और अगले शासक आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 39 हमारा आंसर है सी, आराम शाह। आराम शाह ने बहुत ही छोटे पीरियड के लिए 1210 से 1211 तक रूल किया। ये सेकंड सुल्तान थे आपकी स्लेव डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी के, ओके। और उसके बाद इनको इल्तुतमिश ने रिप्लेस किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन गांधी जी के बारे में है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। गांधी जी वॉज ट्रेवलिंग टू विच प्लेस व्हेन ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी कौन सी जगह के लिए यात्रा कर रहे थे, मतलब गांधी जी कहाँ जा रहे थे जब उन्हें दक्षिण अफ्रीका में एक चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। ये हमारा क्वेश्चन है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, उनके क्लाइंट थे दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला के बुलाने पर गांधी जी गए थे दक्षिण अफ्रीका और उसके बाद ये उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, ओके, कि जिसमें उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। तो गांधी जी कहाँ जा रहे थे, गांधी जी प्रिटोरिया जा रहे थे, गांधी जी नेटल जा रहे थे, जोहान्सबर्ग जा रहे थे या ट्रांसवासल जा रहे थे। क्वेश्चन 40, क्वेश्चन 40 का आंसर है हमारा ए, प्रिटोरिया। गांधी जी अपने किसी काम से जा रहे थे प्रिटोरिया जब उनको ट्रेन से बाहर फेंका गया। While traveling by train to Pretoria, Gandhi ji experienced his first taste of racial discrimination. Gandhi ji के पास first class ticket था, इसके बावजूद उनको चलती हुई train से फेंक दिया गया था और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि एक white man था, okay, गोरे रंग वाला आदमी जिसको कि उनका compartment चाहिए था और Gandhi ji के पास first class ticket था, फिर भी उनको जाने के लिए कहा गया। Question number 40, answer is A and answer is Pretoria. This is your answer. अंगोरा वुल, अंगोरा ऊन किससे निकाली जाती है? अंगोरा वुल इज एक्सट्रैक्टेड फॉर अंगोरा वुल, वो ऊन किससे निकाली जाती है? क्वेश्चन नंबर 41, ये हमारा क्वेश्चन है, ओके? अब देखिए, रैबिट से, शीप से, फॉक्स से या फिर गोट से? क्वेश्चन नंबर 41, हमारे ऑप्शंस हैं रैबिट, फॉक्स, शीप या गोट। अंगोरा ऊन किससे पाई जाती है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये पाई जाती है रैबिट से, खरगोश से। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा आंसर है ए। ये देखिए, अंगोरा वूल को हम, अंगोरा ऊन को हम अंगोरा हेयर, अंगोरा फाइबर भी कहते हैं। इट रेफर्स टू द डाउनी कोट प्रोड्यूस्ड बाय अंगोरा रैबिट, खरगोश से ये ली जाती है। और ये जो ऊन है वर्ल्ड फेमस है क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ही सिल्की इसका टेक्सचर होता है और ये बहुत ही वार्म और लाइट वूल होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारा आंसर है ए, रैबिट। 42, which of the following trees grows fastest? सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पेड़ कौन सा है? नारियल का पेड़, बांस का पेड़, पाम का पेड़ या फिर नीम का पेड़? क्वेश्चन नंबर 42, अब इनमें जो सबसे तेज गति से बढ़ता है वो है बैम्बू, ओके, बांस बहुत तेज गति से बढ़ता है। बैम्बू ट्रीज ग्रोस फास्टेस्ट, सबसे तेज गति से बढ़ेगा ये, और ये लार्जेस्ट मेंबर्स हैं ग्रास फैमिली के। बैम्बूज जो है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट्स हैं इन द वर्ल्ड, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 41 आंसर इज बी। पीएच वैल्यू ऑफ वाइन इज, शराब का पीएच मान क्या है, ठीक है, शराब का पीएच मान क्या है? 7.0, 2.8, 8.5 या 6.5? क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है कि शराब का पीएच वैल्यू कितना है। क्वेश्चन 43 आंसर है हमारा बी, इसकी जो पीएच वैल्यू है वो है 2.8। ये देखिए आंसर, जो वाइन मेकर्स हैं दे यूज पीएच एज अ वे टू मेजर इट्स राइपनेस इन रिलेशन टू एसिडिटी। लो पीएच वाइन्स जो होती हैं उनका जो टेस्ट होगा वो टार्ट और क्रिस्प होगा, जो हाई पीएच वाली हैं उनमें बैक्टीरिया डेवलपमेंट के चांसेस ज्यादा होंगे। तो अधिकतर जो वाइन होती है उनकी जो पीएच होती है वो 3-4 के बीच में होगी, ओके। अबाउट 3.0-3.4 इज डिजायरेबल फॉर व्हाइट वाइन्स, व्हाइट वाइन्स का 3.0-3.4 के बीच में होगा, जबकि जो रेड वाली है उनका 3.3-3.6। क्वेश्चन नंबर 43 आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The human body can synthesize dash besides vitamin D. Vitamin D के अलावा human body और कौन सा vitamin synthesize कर सकती है? Vitamin D के अलावा मानव शरीर निम्न में से किसका संश्लेषण कर सकता है? Vitamin A, vitamin B, vitamin K या vitamin C? Question number 44, answer है हमारा vitamin K. Vitamin K. Vitamin K जो है, it is a group of structurally similar fat soluble vitamins in the human body requires for complete synthesis of proteins that are perquisites for blood coagulation that the body needs for controlling binding of calcium in bones. 44C. Which anti-tank missile is used to develop fire and forgot? किस टैंक रोधी मिसाइल को दागो और भूल जाओ के तर्क पर विकसित किया गया है? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल या फिर नाग? क्वेश्चन नंबर 45 और इसका आंसर है नाग. नाग जो है ये एक थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है जिसको भारत में विकसित किया गया है. ओके, वन ऑफ द फाइव मिसाइल सिस्टम जिसको डेवलप किया गया है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. क्वेश्चन नंबर 45 आंसर है हमारा डी. 46. इन विच स्टेट इज द मांडला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क लोकेटेड? मांडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है? मांडला वनस्पति जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, गुजरात में है या फिर हरियाणा में है? क्वेश्चन नंबर 46. ये मध्य प्रदेश की मांडला डिस्ट्रिक्ट में है तो आंसर है हमारा ए. 46A. मांडला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क जो है ये लोकेटेड है मांडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में. यहाँ पर जो ये नेशनल पार्क है यहाँ पे प्लांट जो है वो फॉसिल फॉर्म में है दैट एग्जिस्टेड इन इंडिया. ये भारत पे रहे होंगे करीब आज से 40 मिलियन से 150 मिलियन ईयर्स अगो. और ये जो नेशनल पार्क है ये करीब 7 गांवों में फैला हुआ है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 आंसर है हमारा ए, मध्य प्रदेश. 47. अल्फा अल्फा, ठीक है, अल्फा अल्फा किस प्रकार के पदार्थ का नाम है? क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर पूछा गया है अल्फा अल्फा किस प्रकार के पदार्थ का नाम है? अल्फा अल्फा क्या है? ये एक जंगल है, ये एक घास है, खेती है, क्या है ये? तो अल्फा अल्फा जो है वन है, क्रॉप है, ग्रास है या नन ऑफ द अबव है? इसका आंसर है ग्रास. ये एक प्रकार की न्यूट्रिशियस ग्रास है. अल्फा अल्फा ये कॉमन फ्लावरिंग पेरिनियल प्लांट है. ये न्यूट्रिएंट रिच फूड है. इसमें क्लोरोफिल कंटेंट ज्यादा है, विटामिन्स ज्यादा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है और ये फॉडर फॉर कैटल है. क्वेश्चन नंबर 47C ये साउथ अमेरिका में बड़ी संख्या में पैदा होता है. 47C. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वेजिटेबल ऑयल इज कन्वर्टेड इंटू घी? वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित कैसे किया जाता है? वनस्पति तेल का घी में परिवर्तन कैसे होता है? हाइड्रोलोसिस द्वारा, अगर अगर के संयोजन से, हवा के इस्तेमाल से, ऑक्सीकरण और एक उत्प्रेरक का प्रयोग करके या हाइड्रोजनेशन द्वारा? हाइड्रोलिसिस कॉम्बिनेशन ऑफ अगर अगर फ्रॉम ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग एयर एंड अ कैटलिस्ट या हाइड्रोजनेशन? क्वेश्चन नंबर 48 इसका आंसर है लास्ट वाला, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण से. क्वेश्चन 48. अब हाइड्रोजनेशन क्या है? हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिंग हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस. किसी सब्सटेंस में हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं. निकल ऐड किया जाता है एज अ कैटलिस्ट. ठीक है, और जो लिक्विड वेजिटेबल ऑयल है जो कि अनसैचुरेटेड होते हैं दे विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन एट अबाउट 60 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट. तो क्वेश्चन नंबर 48 आंसर है डी. 49. Question 49. Name of the cold ocean current passing through the coast of North America. वो कौन से ठंडी महासागरीय धारा है जो कि उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरती है? कोरोशियो करंट, गल्फ स्ट्रीम, लैब्राडोर करंट या फॉकलैंड करंट? ये क्वेश्चन है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी से. क्वेश्चन नंबर 49. वो कौन सा करंट है जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पास से गुजरेगा, आपके नॉर्थ अमेरिका के पास से? आंसर क्या है हमारा इसका, क्वेश्चन नंबर 49 का? आंसर है लैब्राडोर करंट. ये वाला वो करंट है, सी. 49C.
लैब्राडोर करंट, ये कोल्ड करंट है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, विच फ्लोज फ्रॉम आर्टिक ओशन साउथ अलोंग द कोस्ट ऑफ लैब्राडोर, और लैब्राडोर के पास से गुजरता है तो लैब्राडोर करंट, इट पासिस थ्रू न्यू फाउंडलैंड, यहाँ पर भी ये गुजरेगा, इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ वेस्ट ग्रीनलैंड करंट एंड बैफिन आइलैंड करंट, ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 49, सी इज द आंसर. Next question, question 50. The main source of Indian philosophy is contained within the भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत निम्न में से किसमें निहित है. मेन सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी क्या है, हमारे वेद है, ब्राह्मण है, पुराण है या फिर उपनिषद है. मेन सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी है हमारे उपनिषद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 50D. The Upanishads form the core of Indian philosophy. They are an amazing collection of writings from original oral transmission. All the fundamental teachings are found here, which are central to Hinduism. हमारे कर्म का कॉन्सेप्ट, मोक्ष का कॉन्सेप्ट, आत्मा परमात्मा, इन सब के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो इसमें हैं. तो उपनिषद्स हमारा आंसर है. क्वेश्चन नंबर 50, आंसर है डी. और इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है, पेपर कोड 869 से संबंधित ये खत्म होता है. मैं उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ में आया होगा. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.